Hey guys, how are you all? Welcome to my channel. I'm Sagrika. I'm back with some new tips and tricks for you. So guys, आज मैं आप सभी के लिए कोई भी tips and tricks नहीं लेके आई हूँ. आज मैं अपने कुछ real life experiences आप सभी के साथ share करने वाली हूँ. अगर आप मुझे काफी time से follow कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं मुंबई में रही हुई हूँ. acting के लिए मेरा बचपन से dream था acting का, TV पे आने का था, जिस कीड़े की वजह से मैं मुंबई गई थी. और मुंबई में मुझे जाते से ही काम मिल गया था और मैंने डिसेंट काम किया हुआ है मुंबई में. मैंने सेट्स की लाइफ का मुझे पूरा पता है कि कैसी होती है, कैसे शूटिंग होती है, क्योंकि मैंने डे नाइट वहां पर काम किया हुआ है सीरियल्स में. और मैंने हम सभी के फेवरेट शो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में भी काम किया हुआ है. और अभी रिसेंटली ना बहुत सारी बातें चल रही है तारक मेहता के उल्टे चश्मे के बारे में. और यू नो, हम सभी बचपन से तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते आ रहे हैं. और मैं तो बहुत ही ज्यादा आई हार्ट फैन थी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की. और मेरे लिए तो एकदम ड्रीम कम ट्रू था जब मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम किया था. मैंने एक दिन का काम किया है, लेकिन स्टिल मुझे वहां सेट्स पे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए थे जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ. क्योंकि अभी इन सब बारे में बहुत ज्यादा बातें चल रही है, तो मैंने सोचा कि मेरे मन में कभी ख्याल नहीं आया कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊं. लेकिन अभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं. भले वो एक दिन का एक्सपीरियंस था, लेकिन वो एक्सपीरियंस शेयर करने लायक है, डेफिनेटली मैं ये कहूंगी. एक्चुअली पहले शुरुआत से शुरू करते हैं. यू नो, मैं भी हर लड़की की तरह मुंबई गई थी अपने सपने लेके. मुझे सीरियल्स में काम करना था एंड आई वाज आल्सो क्रेजी. मैं भी ऑडिशंस दे रही थी एंड ऑल. बहुत डेली मैं 4 to 5 ऑडिशंस देती थी और डेफिनेटली मुझे काम भी बहुत जल्दी मिल जाता था. लाइक 10 मंथ्स के लिए मैं मुंबई में रही हूँ, लेकिन मैंने फिर भी बहुत अच्छा डिसेंट काम किया है मुंबई में. वीडियो के एंड तक आप सभी को अंदाजा हो जाएगा कि मैंने क्यों वो लाइफ छोड़ी एंड क्यों मेरा फिर मन भर गया था उन सब चीजों से. सबसे पहले मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बात करूं तो मैं वो वाली स्टोरी ही आप सभी के साथ शेयर करती हूँ. वो बॉम्बे की स्टोरी सुनाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा. तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सिलेक्शन, मैं सही बताऊं तो मेरा सिलेक्शन हुआ था रीटा रिपोर्टर के लिए. मैंने ऑडिशन दिया था दैट टाइम. जो रीटा रिपोर्टर जो शुरुआत से काम कर रही थी दैट टाइम, वो प्रेग्नेंट थी या फिर उन्होंने शो को छोड़ दिया था, तो वो लोग नई रीटा ढूंढ रहे थे फॉर देयर शो. तो मैंने उस चीज के लिए ऑडिशन दिया था एंड आई वाज एन एंकर. मेरा पूरा एंकरिंग का बैकग्राउंड रह चुका है, तो आई वाज वेरी गुड बोलने करने में. मैं बहुत ही अच्छी थी शुरुआत से. तो मेरा संजय जी करके थे जिन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था और उन्होंने मुझे भेजा था. तो पहली बार मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के ऑफिस पहुंची एंड वहां पर एक्चुअली फॉर्चुनेटली तब आसिद मोदी जी भी थे, तो मेरी इनसे ऐसी बात वगैरह नहीं हुई थी. एक्चुअली जस्ट हमारा एक आई कॉन्टेक्ट हुआ, उन्होंने स्माइल दी, मैंने स्माइल दी, बिकॉज मैं तो अपना ऑडिशन दे रही थी उस टाइम पे. तो मैंने अपना ऑडिशन दिया और ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ था मेरा. एंड मैं ऑडिशन देके आई वॉज रियली हैप्पी, बिकॉज मैं जो शो बचपन से देख रही थी उसमें मेरा मैं उसका ऑडिशन देने जाना, उसके ऑफिस में जाना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. बिकॉज आई कॉन्ट वेट टू गो ऑन सेट्स ऑल्सो. मैं सेट्स पे जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे गोकुलधाम सोसाइटी देख नहीं थी, सब कुछ देखना था. तो वो सब जो ड्रीम्स है ना, वो ख्याल वो मेरे मन में आने लग गए थे. एंड आई वाज टू यंग आल्सो, तो मैं बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती थी. तो अब यू नो, सेलिब्रिटीज से मिलना, उनके साथ काम करना बहुत एक अलग एक्सपीरियंस होता था. तब की सागरिका और अब की सागरिका में बहुत ज्यादा अंतर है, मैं ये कह सकती हूँ. तो जब मैं गई वहां पे ऑडिशन दिया, मेरा ऑडिशन लिया बहुत प्रोफेशनली, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया. वहां पे ज्यादा किसी ने मुझसे कोई बात बात नहीं की ऑफिस में. मैंने अपना काम किया, ऑडिशन दिया और मैं अपने फ्लैट पे वापस चली गई. एंड देन मुझे नेक्स्ट डे कॉल आया कि सागरिका, यू आर शॉर्टलिस्टेड, मतलब आप रीटा रिपोर्टर के कैरेक्टर के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हो. और मुझे ये भी कहा गया कि आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं सिलेक्ट होने के, क्योंकि आपको ये रोल शायद मिल सकता है. ये भी मुझे कहा गया क्योंकि ऑडिशन मेरा पसंद आया था सभी को. मैं तो आई वॉज ऑन cloud 9. मैं तो बढ़िया डांस करने लगी कि वाह, मतलब इससे अच्छी बात क्या होगी कि अभी तो मैं मुंबई जस्ट आई हूँ, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, जस्ट 6-7 months शायद मुझे हुए थे. और मुझे अच्छा एक स्टेबल शो में एक स्टेबल कैरेक्टर मिल रहा है, तो आई वॉज रियली वेरी हैप्पी. मैं जंपिंग जैक्स कर रही थी, मैं ये बोल सकती हूँ. आई वॉज सो हैप्पी दैट टाइम. तो मैं तो पार्टी वार्टी करने चली गई फ्रेंड्स के साथ और बहुत इंजॉय करने चली गई. आई वॉज सेलेक्टेड एंड ऑल. फिर नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया कि लुक टेस्ट एंड ऑल के लिए. अब जो सेट पे बुलाया गया,
तो मैं वहां पर गई अपना लुक टेस्ट वगैरह देने. वहां पर उस टाइम भी कुछ गोकुल धाम सोसाइटी मैंने पहली बार देखी. आप देख सकते हैं मेरा पहला पिक्चर है गोकुल धाम सोसाइटी का. तो कोई और एक्टर वहां पे नहीं थे, ये अय्यर जी थे, अय्यर भाई जिन्हें हम कहते हैं. तो उनसे मैं उस टाइम पर मिली थी गोकुल धाम सोसाइटी में. और रात हो रही थी तो इतना जगमगा नहीं रहा था, शायद बहुत अंधेरा हो रहा था, तो इतने अच्छे से मैं गोकुल धाम सोसाइटी उस टाइम नहीं देख पाई थी. बट मैं वहां खड़ी थी, बड़ा ही मजा आ रहा था वहां पे गोकुल धाम सोसाइटी देखने में. कि वो विंडोज एक्चुअली, वो तो सब आपको पता ही होगा कि अंदर के सेट अलग होते हैं, वो सिर्फ बाहर का ही जो बालकनी वगैरह का शॉट्स है वहां लिए जाते हैं, और जो गोकुलधाम सोसाइटी के शॉट्स है वो लिए जाते हैं. बाकी अंदर देयर इज नथिंग, वो पूरा खाली है, खोखला है एक्चुअली वो सेट, अंदर कुछ भी नहीं है उसके. तो मैंने वो रियल में जब देखा पूरा, कि अंदर तो सिर्फ जस्ट एक स्टेयर्स है और चल के बस खिड़की आ जाती है, एंड जो दूसरे उनके सेट से वो बोरीवली में बने हुए हैं, जो घर के अंदर के शॉट्स हैं उनको वो वहां लेने जाना पड़ता है. तो फिर मैंने वो देखा, एंड आई वाज, तो मैं अपने ड्रीम वर्ल्ड में थी उस टाइम पे, कि अय्यर भाई से मिली बहुत अच्छे से. और एक्चुअली शायद वो हमारे इंदौर या उज्जैन के ही हैं, तो उनसे थोड़ी कॉन्वर्जेशन मेरी हुई थी इस बारे में, क्योंकि वो भी मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं. तो लाइक थोड़ी बहुत उनसे बात हुई, मेरा लुक टेस्ट हुआ, वैनिटी में मैं गई और सब चीज़ें मैंने देखा करा. फिर क्या हुआ, दो तीन दिन बाद मुझे वापस से वहाँ से कॉल आया कि जो पुरानी वाली रीटा रिपोर्टर थी वो वापस आने के लिए कह रही हैं, एंड शायद उन्हीं को ही वापस रोल दे रहे हैं. शी इज रेडी टू डू द शो फिर से. तो फिर वो नई लड़की के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते अगर पुरानी फिर से आ रही है. तो फिर वही, आई वॉज सैड एंड आई वॉज लाइक, नो यार क्या है डेस्टिनी, क्या पता मुझे क्या दिखाना चाहती है. बिकॉज इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से यहाँ तक आके जब निकल जाती है ना, वो फीलिंग मेरे साथ हो चुकी है एक्चुअली. और जब मेरा ऑडिशन भी पसंद आ गया था, आई वाज सिलेक्टेड ऑलमोस्ट. और उसके बाद जो पुरानी रीटा रिपोर्ट है वो कहती कि वो वापस आ रही है, उन्हीं को ही वापस ले रहे हैं. तो आई वाज लाइक कि ओ शिट, ओ माय गॉड, क्या. ओके फिर मैं ठीक है, मैं लाइक फिर से अपने ऑडिशंस वगैरह देने लग गई, क्योंकि ये सब चीज़ें मुंबई में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है कि आपको कोई रोल मिलते मिलते रह जाएगा. और ये बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ हो सकता है, मेरे लिए तो एक छोटे से रोल के लिए हुआ है, लेकिन बहुत सारी जो एक्ट्रेसेस हैं उनको बड़े बड़े लीड रोल में यहाँ तक आके उनके हाथ से निकल जाता है कई बारी. तो आई कैन फील दैट कि उनको क्या फील होता होगा उस टाइम पे. जो कास्टिंग डायरेक्टर थे संजय जी, मैंने उनको बोला, ओ माय गॉड, आई वाज लाइक लिटरली, मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हो गई थी और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बिकॉज तारक मेहता से मेरा है कनेक्शन, मैं बचपन से देखती आई वो शो. तो अगर मैं उस शो में काम करती तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता. तो संजय जी ने बोला कि सागर का रीटा रिपोर्टर का तो नहीं, बट वन डे का एक रोल है जिसमें आपको रिपोर्टर मिलना है. गोकुल धाम में बहुत सारे रिपोर्टर्स आ रहे हैं, जिसमें लाइक 3-4 रिपोर्टर्स रहेंगे, उसमें से एक क्या आप बनना पसंद करोगे. इट्स अ वन डे रोल, ऐसा उन्होंने मुझे ऑफर दिया. तो मैंने बोला कि ठीक है, अब जो मिल रही है अपॉर्चुनिटी उसी को ही ले लिया जाए. गोकुल धाम में शूट करने का मौका मिलेगा, सब आर्टिस्ट के साथ रहने का मौका मिलेगा, मज़ा आएगा. लाइक पूरी गोकुल धाम सोसाइटी उस टाइम रहेगी, बिकॉज वो सीन ही ऐसा था कि पूरा गरबा वाला, डांडिया वाला, जो हम टीवी में देखते हैं उनको करते हुए, दया बहन को और जेठालाल को, वो मैं लाइव देखूंगी. तो इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए क्या ही हो सकती है. तो फिर मैंने बोला कि डेफिनेटली, मैंने उसको हाँ कर दिया कि ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है मैं उसी को ग्रैब कर लेती हूँ. क्योंकि मैं कोई बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश तो हो नहीं गई थी उस टाइम पे कि मैं वन डे रोल ना करने के लिए मना कर दूं. तो मैंने तो हाँ कर दिया कि ठीक है, आई विल डू इट. तो फिर बस नेक्स्ट डे मेरा 8:00 मॉर्निंग में जो था कॉल था, मुझे शूट पे पहुंचना था. जाते से ही लाइक हम लोगों को हमारे रिपोर्टर्स के जो आउटफिट्स है वो दे दिए गए, हमारा मेकअप हेयर सब कर लिया गया. ज़्यादा टाइम नहीं लगा बिकॉज रिपोर्टर का रोल था, ज़्यादा कुछ तैयार नहीं होना था. देन रेडी होके हम लोग पहुंचे सेट्स पे और गोकुल धाम सोसाइटी पे, एंड मैंने देखा कि सारे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं. लाइक देयर वाज शैलेश लोढ़ा जी, तारक मेहता जी, मतलब जेठालाल जी और दया बहन सब थे. टप्पू सेना थी पूरी, एंड देयर वाज हाथी भाई, दैट टाइम ही वाज अलाइव एक्चुअली, अभी अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट देयर विद अस. एंड आप देख सकते हैं ये वाला पिक्चर मेरा पूरा गोकुल धाम सोसाइटी का, एंड जिसमें मैं सभी के साथ बैठी हुई हूँ, मतलब लाइक चेयर पे. तो उन सभी के साथ मैंने कॉन्वर्जेशन की और मैं बीच में जाके बैठ गई. तो मतलब ये भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट था और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मैं अपने फेवरेट जो भी बचपन से जिनको देखती आई उनके बीच में बैठी हूँ, आज उनके साथ कॉन्वर्जेशन कर रही हूँ, उनके साथ मजा आया करते हुए. स्पेशली आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी दया बहन, क्योंकि दया बहन, वाओ व्हाट अ कैरेक्टर,
वो अपना इतना शिद्दत से कैरेक्टर निभाती है और अब मेरी जो है रियल स्टोरी वो चालू होने वाली है. एक्चुअली मैं दया बहन से जब मिली थी दैट वॉज फर्स्ट टाइम जब मैं उनसे मिली थी. फर्स्ट टाइम ही था जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था और पहली बार मिली थी. मेरे लिए तो ये फैन मोमेंट था डेफिनेटली क्योंकि दया बहन को सामने देखना. शी वॉज एक्सट्रीमली स्वीट, इतनी नाजुक सी, इतनी प्यारी सी, इतनी छोटी सी और इतनी प्यारी लग रही थी वो. और शी वॉज वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड मतलब वो कहते थे एक ईगो और एटीट्यूड इतना सा भी नहीं था उनमें. मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी इतनी बड़ी आर्टिस्ट से या फिर इतनी बड़ी स्टार कह सकते हैं इंडिया की, क्योंकि दया बहन को आई थिंक घर घर पे सब कोई जानता है आज की तारीख में, तो मैं उनसे कॉन्वर्जेशन करूँ ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था. और जब मैंने उनसे बात की मैंने बोला हेलो मैम कैसे हो, आई एम रियली बिग फैन ऑफ यू. और मैंने उनसे बोला, मैंने उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई एंड और उन्होंने बहुत स्वीटली मुझे अपने साथ फ़ोटो दी. एंड देन आई डोंट नो व्हाई ऐसा मैंने रियलाइज़ किया उस दिन वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे टेंशन में लग रही थी एंड शी वॉज देर वॉज मुझे थोड़ा सा कंसर्न दिखा उनके फेस पर और थोड़ी सी मुझे वो टेंशन में लग रही थी उस दिन. एंड देन शी आस्क्ड मी और मेरे साथ मेरी एक और लाइक फ्रेंड तो नहीं बट मेरे साथ वो भी रिपोर्टर का ही रोल प्ले कर रही थी उस दिन, तो वो भी मेरे साथ ही थी एंड वी बोथ वर टुगेदर. तो हम दोनों से उन्होंने पूछा कि लाइक कहाँ से हो तुम और कितना टाइम हो गया यहाँ आए हुए और क्या कर रहे हो एंड ऑल. तो फिर मैंने उनको बताया कि आई एम फ्रॉम इंदौर एंड मैं भी न्यू ही हूँ एंड आई एम जस्ट मतलब अडेप्टिंग यहाँ की लाइफ को मैं अडप्ट कर रही हूँ और लाइक अभी धीरे धीरे मैं कर रही हूँ. एंड सडनली उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि क्यों आए हो यहाँ पे, देर इज़ नथिंग, वापस जाओ, कुछ भी नहीं, अपने पेरेंट्स के साथ रहो एंड यहाँ पे सब बहुत गंदा है एंड देर इज़ नथिंग हियर. उन्होंने मुझे इस टाइप की बातें उन्होंने मुझे तब कही एंड आई वॉज लाइक कि ये मैम मुझे ऐसा कह रही है. आई वॉज लाइक वो थोड़ी टेंशन में भी लगी मुझे उस दिन एंड मतलब मुझे वो समझ भी नहीं आई उस टाइम पे बात कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा. और ऐसा शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि एज अ लेडी और आई एम अ गर्ल तो मेरे लिए शायद थोड़ा कंसर्न हो रही थी कि लाइक नहीं तुम्हें नहीं आना चाहिए सब कुछ छोड़ के यहाँ पे. शी वॉज लाइक कि नहीं तुम जाओ वापस एंड कुछ भी नहीं है यहाँ पे यहाँ की लाइफ में, उन्होंने मुझे इस टाइप से कहा. मेरे मन में है कि इतनी एस्टैब्लिश आर्टिस्ट और इतने टाइम से जो तारक मेहता में मतलब रोल कर रही हैं और इतनी फेमस है वो कि घर घर में सब उन्हें जानते हैं एंड शी वॉज नॉट लुकिंग हैप्पी एट दैट टाइम. और मुझे बड़ी वो टेंशन में लगी उस टाइम और खुश नहीं लग रही थी एंड मुझे मतलब एक थोड़ा सा एक अजीब सा वाइब आया उस टाइम पे. बट शायद मैं तब बच्ची थी और इतना अकल नहीं थी, लेकिन वो कुछ एक बातें मेरे दिमाग में मेरे जहन में रह गई. लेकिन अभी जब तारक मेहता की बातें चल रही तो मैंने सोचा कि शायद मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए और अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए. और एक्चुअली मैं आप सभी के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी कि मुझे ऐसा बोला था दया बहन ने और उनका क्या मतलब था और किस सेंस में उन्होंने कहा था ये तो वही जानती है, क्योंकि मैं इस पर कुछ वर्डिक्ट नहीं दे सकती. लेकिन मुझे लगा ये सभी से शेयर करने वाली बात है मेरे एक्सपीरियंस की. एंड लेकिन दैट फिर उसके बाद बस लाइक मैंने अपना जो भी लाइंस वाइंस थी मुझे तो याद करनी थी क्योंकि रिपोर्टर की लाइन थी, बड़ा फास्ट बोलना था मुझे, भिड़े सर का इंटरव्यू लेना था एक्चुअली एंड कुछ और भी मेरी लाइंस थी जो मुझे पता लगा मेन एपिसोड में पता नहीं उन्होंने ली नहीं वो सारी लाइंस. वो उस टाइम पे एडिटिंग के टाइम पे कुछ चीज़ें कट भी जाती है, मेरी बहुत सारी लाइंस थी उस टाइम पे. उसके बाद बस मैंने अपनी लाइंस वगैरह बोली, भिड़े सर के साथ जो इंटरव्यू लिया वो लिया, आप देख सकते हैं मेरी ये क्लिप है वो. ये है गोकुलधाम सोसाइटी. सर आप तो खुद एक शिक्षक हैं, तो इस आंदोलन की जीत से आपको तो बहुत खुशी हुई होगी. बहुत खुशी हुई है मुझे और खुशी इस बात की जो शिक्षण के क्षेत्र में करप्शन हो रहा था वो कुछ हद तक कम हुआ. बस मेरी यही प्रार्थना है कि माता सरस्वती की कृपा हम पर बनी रहे और ये जो करप्शन है वो जड़ से खत्म. ये थी मेरी क्लिप जिसमें भिड़े सर का मैंने इंटरव्यू लिया था और ये जब वो शायद GPL वगैरह चल रहा था वो वाला एपिसोड था या पता नहीं कौन, नहीं सॉरी वो कॉलेज वाला एपिसोड था जब कॉलेज फ्रॉड होता है. बट एक्चुअली कहीं ना दया बहन की वो बात मेरे मन में रह गई थी
और पता नहीं, मैं समझ तो नहीं पाई 100% कि वो मुझे क्या बोलना चाह रही हैं एंड क्यों वो इतनी कंसर्न है हम गर्ल्स को लेकर. तो वो एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने चाहती थी. बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सीरियल की लाइफ है, जो आर्टिस्ट की लाइफ है, जो एक्टर्स की लाइफ है ना, मैं वहाँ काम कर चुकी हूँ. ट्रस्ट मी, वो लोग बहुत सारा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं. वो लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं सेट्स पे. मैंने सीरियल में शूट किया है, मैंने मेन लीड भी नहीं किया है, मैंने साइड रोल्स किए हैं. जो भी उसमें ही मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो जाती थी, क्योंकि कई बार जो महाबली हनुमान मैंने किया हुआ है, तो कई बार हमारा नाइट शिफ्ट पे रोल, मतलब नाइट शिफ्ट भी रहती थी, लाइक रात में 11 to morning 8, मैंने वो वाली शूटिंग भी की हुई है. तो मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है, कितना डिफिकल्ट होता है. रात भर आप आउटफिट में बैठे रहो, और फिर जब आपका लाइक शॉट आ रहा है, आप जा रहे हो और आपको नींद आ रही है, फिर भी आप चाय पे चाय, कॉफी पे कॉफी पिए जा रहे हो. और अगर लाइक आप लीड में है ना, तो मैं आपको स्ट्रगल बता नहीं सकती कि इतना ज्यादा हार्डवर्क होता है. और मुझे लगता है एक सीरियल बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा डेडिकेशन लगता है, बहुत सारे लोगों को साथ में लेके चलना पड़ता है. मैंने देखा है वहां पे लोगों को हार्डवर्क करते हुए, प्रोडक्शन वालों को, प्रोडक्शन के वहां पे जो लाइक फील्ड पे पूरी टीम होती है, उन लोगों को सबको मैंने देखा है कि गर्मी हो चाहे बारिश हो, वो लोग लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं. तो लाइक बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क है सीरियल्स बनाने में. मुंबई में लोगों को लगता है बाहर से लाइफ की बहुत चकाचौंध है, बहुत ईजी है, बट एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल. मतलब इंटरनली चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है, और बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस रखना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है रोज सेट्स पे जाने के लिए. और शुरू में चीज़ें अच्छी लगती है, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो. तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको काम करना है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है, आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी पड़ती है, और आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है उस चीज़ के लिए. तो ये सब बहुत सारी चीज़ें जब मैंने रियल लाइफ में देखी कि जैसा ये मैं सोचती थी, जैसा मैं देखती थी, वो एग्जैक्टली वो सब चीज़ें वैसी नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट होती है. और लाइक एक शॉट बनने में 4-4 घंटे लग जाते हैं कई बारी, या 4-4 घंटे. हमें तो सिर्फ 20 मिनट का, वो 25 मिनट का सीरियल देखने को मिलता है, लेकिन वो जो है पूरा 2 दिन का शूट होता है, उसके बाद वो एडिटिंग में जाता है, बहुत सारी मेहनत होती है पीछे से. और कई बार बहुत बोर भी हो जाते हैं सेट्स पे बैठे बैठे. तो मैंने जब सब चीज़ें देखी, सब चीज़ें एक्सपीरियंस की, तब मुझे लगा कि भाई जो चीज़ जैसी दिखती है वैसी होना ज़रूरी नहीं है. तो इस वजह से मैंने डिसीजन लिया कि शायद कि अब मैं, मुंबई इज़ नॉट फॉर मी, तो लाइफ में सेटल हो जाना ही मैंने प्रेफर किया. यूट्यूब इज़ एक्चुअली फॉर मी एंड इंस्टाग्राम इज़ फॉर मी, जिसमें मैं अपना कॉन्टेंट बना सकती हूँ, जिसमें सब चीज़ें मेरे हाथ पे हैं और सब चीज़ें मुझे ही करनी है, एडिटिंग, शूटिंग एंड एवरीथिंग. और आई जस्ट लव डूइंग दैट. तो बस ये था एक छोटा सा एक्सपीरियंस तारक मेहता का उल्टा चश्मा, लेकिन वो लाइक वर्किंग देयर मैं कभी नहीं भूल सकती. लेकिन मैं इसकी वजह से ये नहीं कह रही कि वहाँ के सेट्स पे कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ है, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली कुछ भी ऐसा कुछ भी मुझे नहीं हुआ. मुझे तो वहाँ पे सब बहुत अच्छा ही लग रहा था, और मेरे लिए तो फैन मोमेंट था. तो मुझे कुछ, मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मुझे लगा ही नहीं, मैंने कुछ देखा भी नहीं, बट एक छोटी सी मेमोरी थी जो मेरे दिमाग में रह गई. तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए. सो आई होप आज का ये वीडियो पसंद आया होगा आप सभी को, और अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. और भी बहुत सारे सेट्स की थोड़ी थोड़ी मेमोरीज है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नाउ मी सागरिका साइनिंग ऑफ. बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.